कौटिल्य नगर के निजी कोचिंग में भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एबीपी कार्यकर्ताओं ने मनाई। हम आपको बता दें कि सोमवार को हिलसा के कौटिल्य नगर के एक निजी कोचिंग में भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एबीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मनाया। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सह गृह मंत्री लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती हम लोग मना रहे हैं। इस दौरान उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया है। इस मौके पर विकास कुमार त्रिपाठी, विकास कुमार साहिल लाल, सोनू कुटियार नेहरू युवा केंद्र के प्रभारी हिलसा के नीतीश कुमार, पंकज कुमार, रजनीश कुमार समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। क्या कुछ कह रहे हैं कार्यकर्ता, जरा सुनिए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती मनाया गया, क्या कहेंगे? सबसे पहले संतोष सर आपको नमस्कार। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती आज है। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में भारत देश के लिए एक लक्ष्य रखे थे आज़ादी का, और उस आज़ादी में इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिए और उन्हीं के बदौलत आज हम लोग इस आज़ादी महापर्व के द्वारा हम लोग जो हैं आज़ाद हैं और इनका जन्म आज मना रहे हैं। आज सूर्य उपासना का सबसे अंतिम दिन भी था और इनका जन्म उतना व्यापक रूप में आज ना हो पाया क्योंकि लोग उधर एंगेज थे, इसीलिए आज हम लोग लौह पुरुष के नाम से पूरे भारत में विख्यात सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती हम लोग मना रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं सभी लोग छठ में व्यस्त थे तो कहीं ना कहीं लोग सरदार वल्लभ भाई जी पटेल जी का इनका जयंती बहुत लोग छठ में इतना व्यस्त होने के कारण लोग इनके बारे में नहीं जान पा रहे थे, व्यस्तता होने के कारण इन्हें नहीं मनाने के लिए बहुत सारे लोग एकत्रित नहीं हो रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग कुछ साथियों को एकत्रित करके और इनको जयंती मनाने का हम लोग काम किए हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिलसा नगर इकाई की ओर से हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस मनाया गया है।